कभी खौफ का चेहरा देखे आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं, आइए आज मैं दिखाता हूं। क्या हुआ ब्रो, हगवत दिया क्या? नहीं, शायद कहानी आपको यहां से समझ में नहीं आएगी, कहीं और चलते हैं। ये मैं हूं। नाम जान के क्या करोगे, आगे पता ही चल जाएगा। पेशे से एक इंजीनियर, और इंजीनियर होने के नाते मुझे उंगली तो मशीनों में करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मैं आदत से मजबूर व्लॉगर जो था, उंगली मुझे भूत प्रेतों की में करनी थी। ब्रो, हे ब्रो, ऐसा केकड़ा बन के क्यों पड़ा है ब्रो? ये जो इतना तड़पता हुआ मेरे लिए दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रो है। नहीं, मेरा ब्रो नहीं, सबका ब्रो, स्पेशल लोग जो होते हैं ना, उनमें से एक। और ये जो मैं केकड़ा बन के पड़ा हुआ हूं ना ऐसे, ये इन महाशय की वजह से ही पड़ा हुआ हूं। ब्रो मार मार गया क्या ब्रो? लेकिन ये बात तो ये बेचारे महाशय भी नहीं जानते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है ब्रो। ये बेचारे तो मजबूर हैं, इनको बताने वाले ब्रो तो जमीन में बेसुध केकड़ा बन के पड़े हुए, यानी कि मैं। लेकिन मैं जो हूं, आप लोगों को पहले जरूर बताऊंगा। ये कहानी की शुरुआत आज से लगभग 500 साल पहले हुई थी, ब्लडी मैरी। एक पुराने जमाने में बहुत क्रूर राजा हुआ करता था। उसकी बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारी बेटियां भी थी, सबसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन जो मैरी थी उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता था। घर के सारे काम कराता था, मजदूरों के हाथ पैर दबवाता था, शाही मेहमानों के ढेर सारे काम करवाता था। दरअसल वो मैरी को एक मनहूस लड़की मानता था, अपने खानदान के लिए एक श्राप मानता था। एक समय ऐसा आया कि मैरी को एक बड़ी महामारी हो गई, और मरते मरते मैरी ने अपने पूरे खानदान को, साथ ही साथ पूरी दुनिया को श्राप दे दिया कि जो कोई भी इंसान आईने के सामने खड़े होकर मुझे बुलाने की कोशिश करेगा, मैं उसके सामने आ जाऊंगी, उसको उसका मांगा हुआ तो दे भी दूंगी, लेकिन उसकी जिंदगी उसे छीन लूंगी, उसको खत्म कर डालूंगी। बस तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मैरी को अपने सामने बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी तो सारी ख्वाहिशें ब्लडी मैरी ने पूरी की, लेकिन कुछ लोग तो बताने के लिए जिंदा बचते भी नहीं। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, ये सारी चीजों से बहुत डरते भी हैं, लेकिन इनको एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। आज अमावस की रात थी, मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं भी कुछ ब्लडी मैरी का एक्सपीरियंस करके देखता हूं, अगर मेरे सामने आ गई तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तो गाइस, मेरा सारा सेटअप रेडी हो चुका है, और आप लोग साफ साफ देख सकते हैं मैं रात के 3 बजे ब्लडी मैरी चैलेंज करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस चैलेंज की मदद से मैं अपने सारे सवालों के जवाब एक भूत से मांगूंगा। तो इसी तरह से बने रहिए, अगर कुछ भी नोटिस होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ये पूछ कैसे गई? लगता है फिर से करना पड़ेगा। जल जा, जल गई। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, नहीं। तो देखा आप लोगों ने गाइस,
ये ब्लडी मैरी लडी मैरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सारी चीजें हमें बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती है। कभी नहीं आएगी ब्लडी मैरी। इसी तरह से बने रहिए, आप देख रहे हैं खूनी अमित के ब्लॉग्स। मैं एक और बार इसको ट्राई करता हूं और फिर देखते आती है कि नहीं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो गाइस, हम लोग दूसरी बार भी ट्राई कर चुके हैं और इस बार भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोई ब्लडी मैरी नहीं आई है। इसका मतलब ब्लडी मैरी इस दुनिया में होती नहीं है। डरना छोड़ दो, रात के 3 बजे में ये कांड कर रहा था, इन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं आया। लगता है कोई इतनी रात गए घर पर आ गया है, जाकर देखता हूं मैं। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं ब्रो, अब तक खोला क्यों नहीं ब्रो? क्या मरवा रहा था क्या ब्रो? चल हट साइड में। यो ब्रो, लेट्स हैव सम पार्टी टुनाइट ब्रो। यो, तो देखा गाइस आप लोगों ने, मेरा ब्रो आया हुआ था। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ब्लडी मैरी वगैरह नहीं आई है, कुछ नहीं होता, ये सब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। चलो अभी ब्रो के साथ पार्टी करते हैं। क्या हुआ ब्रो, इतनी देर से दरवाजा खटखटा? ये अभी तो अंदर गया था, वापस से मेन दरवाजे से कैसे आ गया? ये भूत है क्या? ये भूत है या फिर अंदर वाला? देखता हूं जाके। क्या हुआ ब्रो, हगवक दिया क्या? बेचारा अमित बाहर आए हुए अपने दोस्त को भूत समझ बैठा। बाहर आया दोस्त भूत नहीं था, भूत तो वो था जो उसके बेडरूम में बैठे बैठे समझ ही चुके हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अमित की ऐसी हालत हुई। लेकिन अमित वापस से ठीक कैसे हुआ? अमित क्या सचमुच में ब्रो के हवाले आया? क्या ब्रो सचमुच में अंदर आ पाया? आइए देखते हैं। हे ब्रो, क्या पागल वागल हो गया क्या ब्रो? ब्रो कम ऑन ब्रो, दरवाजा खोल ब्रो। नो वरीज, आई हैव अनदर कीज। जब रियल वाला ब्रो घर के अंदर आया तो उसे अमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर अचानक से ब्रो, अमित की किस्मत अच्छी थी जो ब्रो के पास दूसरी चाबी थी। दूसरी चाबी होने की वजह से वो वक्त पर अंदर घुसा और तुरंत ही अमित को एक सही जगह पर लेकर गया।
जिस हॉस्पिटल में जाने की वजह से उसकी जान बच गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसके साथ क्या हुआ वो आज तक नहीं बता पाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कांड अपनी जिंदगी में अमित करके बैठा हुआ है। अगर आप लोगों को अमित के और भी इस तरह के कांड जानना है जिसमें ब्रो भी शामिल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अब तक आपने इस वीडियो को देखे और पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ली, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप मुझे लिखकर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, मैं इसी तरह से जल्द नाट्य रूपांतर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।